हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही टेस्टी और फेमस मिठाई जिसका नाम है शाही टुकड़ा। और शाही टुकड़ा बनाने के लिए हमने कुछ ब्रेड्स ले लिए हैं और इसे साइड से ऐसे काट के ट्रायंगल शेप दे दिया है। साइड में हमने कढ़ाई में रिफाइन को गर्म कर लिया है। आप रिफाइन की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम अपने ब्रेड को तल लेंगे। एक एक करके हम ब्रेड डालते जाएंगे और हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। ध्यान रहे कि हमारा फ्लेम लो रहना चाहिए। हमारे ब्रेड्स लगभग फ्राई हो चुके हैं। इसे थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आ गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। यहाँ हमने सारे ब्रेड्स को फ्राई कर लिया है। अब एक कढ़ाई में हम 1 कप दूध डालेंगे और आधा कप चीनी डाल के चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने दूध की चाशनी बनाई है। अब इसमें एक एक करके हम अपने टुकड़ों को सोक कर लेंगे और निकाल लेंगे। इसे ज़्यादा देर तक दूध में नहीं रखेंगे वरना ये टूटने लगेंगे। अब हम रबड़ी बनाएंगे। उसके लिए हमने एक कढ़ाई में दूध डाल लिया है और इसे पकने देंगे। साइड से हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स काट लिए हैं। इलायची ले ली है ताकि फ्लेवर अच्छा आए। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप यूज़ कर सकते हैं। और इन बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को हम रबड़ी में डाल देंगे। हमारी रबड़ी लगभग तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा केसर डाल देंगे। रबड़ी लगभग तैयार हो चुकी है। अब इसे धीरे धीरे हम अपने ब्रेड के टुकड़ों पे पोर करेंगे। मैंने 2 जगह रबड़ी बनाई थी, एक थोड़ी पतली और एक थोड़ा सा गाढ़ा। पतली रबड़ी से हमारा ब्रेड अच्छे से सोख हो जाएगा रबड़ी में। इसके ऊपर हम गाढ़ी वाली रबड़ी डाल देंगे। इसे गार्निश करने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं आप। मेरे पास जो थे मैंने यूज़ किए हैं। और लीजिए, बन के तैयार है हमारा टेस्टी शाही टुकड़ा।